वेलकम बैक टू केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट, दिस इज पंकज सिंह। हम कर रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्सटबुक। दिस इज द सिक्स्थ वीडियो। फॉर रेस्ट ऑफ द वीडियो यू विल फाइंड द लिंक इन डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन गो थ्रू देम। और इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, व्हाट वी डू इन डायमेंशनल एनालिसिस बेसिकली, कि ये यूनिट कन्वर्जन है, एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कैसे कन्वर्ट करना है, दैट्स इट, यूनिट कन्वर्जन। और यूनिट कन्वर्जन का एक स्पेशल सा मेथड है, देखो लिखा है यहाँ पे, ऑप्शन वाइल कैलकुलेटिंग देयर इज अ नीड टू कन्वर्ट यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। द मेथड यूज फॉर दिस इज कॉल्ड फैक्टर लेवल मेथड और यूनिट फैक्टर मेथड और डायमेंशनल एनालिसिस। देखिए मैं बेसिकली बताता हूँ आपको, जैसे यूनिट कन्वर्ट करनी है आप करिए। ये इन्होंने जस्ट एक फॉर्मेलिटी करके एक मेथड बना दिया है, तो समझ लेते हैं कि वो है क्या। और लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल, यहाँ बुक में गिवन है, बड़ा खतरनाक सा, मैं आपको सिंपली बताता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि एक पीस ऑफ मेटल है जो 3 इंचेस का है, हमें इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कुछ प्रायर इन्फॉर्म नॉलेज हमें होनी चाहिए, जैसे हमें ये पता होना चाहिए कि देखो भैया 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो देखिए, वी ऑल मस्ट नो पहले से ही कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। जब इतना पता ही है तो कन्वर्ट करने में क्या दिक्कत है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। बट दिस इज अ मेथड यूज, देख लेते हैं ये कहना क्या चाह रहे हैं हमसे। ये कहना ये चाह रहे हैं कि अब अगर ऐसा है तो अगर मैं ऐसे लिख दूं कि भैया 1 इंच डिवाइडेड बाय 2.54 सेंटीमीटर, तो ये 1 हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा। इन द सेम वे अगर मैं 2.54 सेंटीमीटर को 1 इंच से डिवाइड कर दूं, वो भी 1 के इक्वल हो जाएगा, हाँ डेफिनेटली हो जाएगा। फिर क्या, अब ये यूं कह रहे हैं कि देखिए 3 इंच कितना होगा, 3 इंच विल बी 3 इंच इंटू दिस टर्म 2.54 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 इंच। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने 1 से ही तो मल्टीप्लाई किया है। बट इस वाले लाइक अगर मैं बोलूं टर्म ए टर्म बी, तो बी वाले से क्यों डिवाइड किया, हम ये चाहते हैं कि इंच से इंच कैंसिल हो जाए और हमें मिल जाए 3 × 2.54 सेंटीमीटर, दैट्स इट। तो यार इसमें दिक्कत ही क्या थी, ये तो वैसे ही कर लेते है ना, ये तो वैसे ही कर लेते। लेकिन ठीक है, मतलब ये तो सिंपल वाली कन्वर्जन थी ना, देयर विल बी सम कॉम्प्लिकेटेड कन्वर्जन आल्सो जहां पे ये काम आएगा। कुछ और किया है क्या इन लोगों ने, वही किया है बिल्कुल, अल्टीमेटली 7.62 सेंटीमीटर। हम भी लिख लेते हैं, डन। तो ये एक मेथड था, ये तो बड़ा सिंपल था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वाला करते हैं, है ना। एंड द कॉम्प्लिकेटेड वन इज, आई बिलीव इट्स गिवन दैट कन्वर्ट 2 लीटर ऑफ मिल्क इंटू मीटर क्यूब, ठीक है, लीटर को मीटर क्यूब में। तो इसका तरीका ये है कि भैया हम ये जानते हैं 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब एक्चुअली मिलीलीटर होता है, सो 1 लीटर इज 1000 मिलीलीटर और 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सो इट लाइक 1 लीटर डिवाइडेड बाय 1000 सेंटीमीटर क्यूब, इसको बाद में करेंगे, काम करते हैं। अच्छा, लेकिन हमें तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट नहीं करना ना, हमें तो मीटर में करना है। तो वी ऑल्सो नो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर क्यूब। यहां से लगाते हैं अपना फैक्टर, दैट मीन्स 1 मीटर अपॉन सेंटीमीटर क्यूब नहीं है, वो सेंटीमीटर है। सो 1 मीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 मीटर, दोनों की वैल्यू 1 ही आनी है, या यहाँ लिख लेते हैं 1 बीच में, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अभी क्या, अभी ये कि हमें मीटर नहीं, मीटर क्यूब से मतलब है, तो 3 दोनों साइड्स यूज कर देते हैं। सो 1 अपॉन 100
1 मीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर क्यूब विल बी नथिंग बट 1 क्यूब विच इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर क्यूब. सिंपल. थोड़ा और आगे चलते हैं तो हमें पता चला कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब. इसको सॉल्व किया पूरे को, 1 क्यूब इज स्टिल 1, कोई दिक्कत ही नहीं है. अब देखिए क्लास, यहां से आते हैं अपनी इस वाली कन्वर्जन से. हमने क्या, इससे हमने क्या सीखा कि 2 लीटर विल बी 2 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब. अब ना इस टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे हम इससे, यानी 2 लीटर विल बी 2 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 1 मीटर क्यूब अपॉन 10 पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब. सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा और सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10 पावर माइनस 3 मीटर क्यूब. दैट्स इट. यूनिट कन्वर्जन. आपके पास इससे कोई सिंपल तरीका है आप वो यूज कर लीजिए. एक और करके देखें सबसे बड़ा वाला. मुझे लेकिन उसके लिए बहुत सारा स्पेस चाहिए होगा, सो लेट मी मेक स्पेस फर्स्ट. ओके, हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन 2 डेज. इसे करते हैं एक बार के लिए, ये सबसे बड़ा वाला है. हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन 2 डेज. तो बेसिक से शुरू करते हैं. हमें मालूम है 1 डे इक्वल्स टू 24 आवर, जिसे हम कैसे लिख सकते हैं, 1 डे अपॉन 24 आवर इक्वल्स टू 1 विच इक्वल्स टू 24 आवर अपॉन 1 डे. बढ़िया. सेकंड, अब डे को कन्वर्ट करिए आप. डे को आवर में कर लिया, अब आवर को मिनट्स में करते हैं. सो 24, सो व्हाट वी नो दैट 20, अब हमने डेज को आवर में किया, अब आवर को मिनट में करेंगे. बिल्कुल ठीक. 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स और 1 आवर अपॉन 60 मिनट्स इक्वल्स टू 1 विच इक्वल्स टू 60 मिनट अपॉन 1 आवर. सिंपल. एक और, अब क्या करते हैं, अब ना हमने डे को आवर में कन्वर्ट कर दिया, आवर को मिनट में कर दिया, अब मिनट को सेकंड में कर देते हैं. तो वो क्या होता है, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड और 1 मिनट अपॉन 60 इक्वल टू 1 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 60 सेकंड अपॉन 1 मिनट. अब आते हैं अपनी कहानी में. हमें किसको किस में कन्वर्ट करना था क्लास, हमें आई बिलीव कन्वर्ट करना था 2 डेज को. ठीक है, तो चलो सबसे पहले किसमें हमें कन्वर्ट करना है, डेज को सेकंड में. तो सीधे लिखते हैं 2 डेज इक्वल्स टू 2 इंटू 24 आर. ऑब्वियसली अब आर को जब मिनट में कन्वर्ट करना हो इससे मल्टीप्लाई करिए, इंटू 60 मिनट अपॉन 1 आर. जब मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट करना हो मल्टीप्लाई विद दिस, दैट इज 60 सेकंड अपॉन 1 मिनट. कुछ कैंसिल हो रहा है, आर कैंसिल मिनट कैंसिल. अल्टीमेटली 2 डेज इक्वल्स टू 2 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकंड्स. द ओनली यूनिट लेफ्ट इज सेकंड्स एंड द आंसर इज 1728 सेकंड. आई होप दिस वॉज क्लियर टू यू. अच्छा, देखिए एक और अनाउंसमेंट है क्लास एंड ऑल द स्टूडेंट्स. फ्रॉम टूडे इटसेल्फ आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ सीरीज फॉर नीट, जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज नीट के पास्ट ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे. 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, जितने भी आए हैं पिछले 30 ईयर्स में, चैप्टर वाइज विल डू इट. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड hit the bell icon if you have not done so whenever a video is uploaded you come to know about this thing. Thanks.